पर्वत है, मैं आपके साथ राजा मुराद। प्रखंड मुख्यालय स्थित जल मीनार सुबह की वस्तु बनकर रह गई है। आज भी यहाँ के लोग आयरन युक्त पानी पीने को विवश है। 2011 में जल मीनार का किया गया था शिलान्यास। 2013 को प्रखंड वासियों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन सवेरा की मनमानी और संबंधित अधिकारी की लापरवाही के कारण प्रखंड वासियों को आज भी आयरन युक्त पानी पीने की। पिछले कई साल पहले घटिया संवेदक की लापरवाही के कारण घटिया सामग्री का उपयोग होने से जल मीनार ध्वस्त हो गया था, जिस कारण संवेदक को दोबारा बनाना पड़ा। इस वजह से आज तक लोगों को, प्रखंड वासियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी और संवेदक का कहना है कि लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाई जा रही है, दी जा रही है, लेकिन लोगों को, प्रखंड वासियों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। कई बार संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन परिणाम ढाके तीन पात निकले। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण मात्र 10 से 15 फीट की गहराई पर भूजल उपलब्ध होने के बावजूद भी यहाँ के लोग शुद्ध पेयजल के अभाव में आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर है। जानकारों की मानो तो आवश्यकता से कई गुना अधिक लौ तत्व एवं आर्सेनिक की मात्रा ने यहाँ के पानी को जहरीला बना दिया है, जिस कारण से यहाँ के लोग दूषित जल पीकर कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पानी के दोष के कारण यहाँ के लोग चर्म रोग, कब्ज, लीवर, स्नोफेलिया, दांत के रोग व गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दूषित जल को मीठा जहर के रूप में पीकर यहाँ के लोग असामयिक काल के गाल में समा रहे हैं। सरकार द्वारा आमजनों के लिए आयरन मुक्त पेयजल सुविधा को लेकर कई योजना चलाई जा रही है। इस मद में प्रति वर्ष लाखों रुपए खर्च भी हो रही है, परंतु प्रशासनिक उदासीनता के कारण पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। आज भी प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायत